ये है हमारा हंटर पेगासस गाइस, जो कि बहुत ही शानदार बेबलेट है और आज इसकी फाइट करेंगे। सारे डीबी एंड बीयू बेबलेट से मेरे पास बहुत सारे हैं, कुछ नहीं लिए मैंने लेकिन काफी सारे ले लिए हैं, तो इनकी आज फाइट करेंगे। टोटल मिला के 10 बेबलेट्स हैं गाइस, ये 4 एंड 4 8 और 2 10 10 बेबलेट है। इससे इसका विनिंग रेशियो भी पता चल जाएगा कि बर्स्ट बेबलेट्स के सामने कितना अच्छा ये परफॉर्म कर पाता है। हम करेंगे यूज रेड स्टेडियम का, देखेंगे रेड स्टेडियम पे बर्स्ट बेबलेट्स चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। ओके, तो करते हैं भाई फाइट और देखते हैं। सबसे पहले वेनिश फैफनियर से कर लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है ये बेबलेट जीतेगा, इसलिए इससे सबसे पहले करके निपटा देते हैं। ओके, तो वेनिश फैफनियर सबसे पहले। कुछ भी हो सकता है, अगर पेगासस ने बार फेंक दिया तो बात अलग है। कम ऑन पेगासस, यू कैन डू इट। ओ भाई, मार ही दिया था लगभग लेकिन बाहर नहीं फेंक पाया, बहुत ही बुरा हुआ भाई। अगर इस साइड होता तो बहुत जल्दी फेंक देता, लेकिन नहीं फेंक पाया गाइस क्योंकि ये वेनिश फैफनियर है, हार नहीं मानता भाई ये, और ये हारता भी नहीं है। हार मानता मानता नहीं है, हारता भी नहीं है भाई। ओके, कुछ मिली सेकंड से जीता है वेनिश फैफनियर, यानी कि काफी बुरी तरह से टक्कर दी है पेगासस ने, हमारे हंटर पेगासस ने। ओके, अब बारी है इन भाषा की। ये है एक स्टेमिना टाइप रोक्टोवर। ओके, लेट्स सी क्या रहता है। ये क्या हुआ? ओके गाइस, तो हारता है इससे भी पेगासस, वैसे इससे हारना नहीं चाहिए था लेकिन हार गया तो हार गया गाइस, कुछ कर नहीं सकते हैं अब। ओके, बॉस प्रिगन से देख लेते हैं, बॉस प्रिगन क्या कर पाता है इसके सामने, क्या झंडे गाड़ेगा या फिर अपने तोते उड़वा लेगा। ओके, पेगासस वर्सेस बॉस प्रिगन, एंड बॉस प्रिगन के झंडे गाड़ दिए गए। बस प्रिगन की रफ्तार को चेंज कर दिया गया है, डायरेक्शन को चेंज कर दिया गया, माफी चाहेंगे। कम ऑन ब्रो, यू कैन डू इट ब्रो। ए बेटे, नाइस, पहले बेब्लेड से जीता है अभी टैंक बेब्लेड हमारा हंटर पेगासस। ओके, अब बारी है वैनिश, सॉरी शेवियर वैल्करी से करने की, फेक वाले। भाई खिंडा दिया यार, मुझे पहले ही लगा था भाई, जिस स्पीड से जा रहा था ना उसके पीछे, मुझे पहले से ही लगा था भाई ये कुछ ना कुछ करेगा उसके साथ, और कर दिया भाई। ओके, बारी है अल्टीमेट वैल्करी से करने की और देखने की इसके सामने क्या चल पाती है इसकी। लेट्स सी, अल्टीमेट वर्सेस पेगासस। ओ भाई, ये मारेगा पेगासस उसको, बाहर जाते जाते बचाए पेगासस, सॉरी वैल्करी। नाइस, बच गया भाई, बच गया, लेकिन हारने से नहीं बच पाएगा जहां तक मुझे पता है, वेलक्री के तोते से उड़ जाएंगे। यप, ओके गाइस, वेलक्री दोनों हारते हैं। अब बारी है ए इसकी, क्या नाम था इसका, विंड नाइट। विंड नाइट से करते हैं और देखते हैं विंड नाइट क्या कर पाता है इसके सामने। ओके, 3 2 1 हो जाए। इसके सामने गलती कर दी है पेगासस ने स्टेमिना टाइप। ओके, वो तो मैंने गलती करी है भाई, इसको फ्लावर एंगल लॉन्च करना चाहिए था लेकिन मैंने कर दिया कुछ और ही लॉन्च इसको। ये वाला लॉन्च भी अच्छा है अगर बेब्लेड का स्टेमिना जल्दी खत्म हो जाए तो, और शायद जीत जाएगा इससे भी पेगासस, क्योंकि भाई पेगासस है वो, और वो मेटल फाइट का है, बस जनरेशन का नहीं है जो लड़खड़ा जाता है। एंड गाइस, जैसे कि मैंने बोला था, जीत जाना चाहिए और जीत गया भाई, बढ़िया। अब बारी है फिनिक्स से करने की, ये इकलौता बेबलेट होगा जो इससे जीत सकता है स्टेमिना में। नहीं, बहुत सारे बेबलेट हैं और फिनिक्स बाहर जाते जाते बचा भाई, बाहर जाते जाते बचा। कम ऑन पेगासस, तोते उड़ा दे भाई। देखो गाइस, मेटल बेबलेट्स का स्टेमिना बर्स्ट बेबलेट से तो ज्यादा है, काफी ज्यादा है, इसलिए मेटल बेबलेट्स को ये एडवांटेज तो हमेशा ही रहती है कि स्टेमिना में लगभग वही जीतते हैं, कोई रेयरली चांस होगा जिसमें बस सीरीज के जीत जाए, जैसे कि वेनिश फैफनियर में और इसमें। नाइस, रिवाइव फिनिक्स जीत गया गाइस, ठीक है, ये नहीं सोचा था मैंने बट हो गया, तो क्या कर सकते हैं गाइस। अब बारी है इन महाशय से करने की। यार इतना तेज मारा इसने,
क्या लगा है ऐसा भाई? ओ गाइस, ठंडी में ना बहुत ज्यादा लग जाता है यार, थोड़ा सा भी बहुत तेज लगता है, पता नहीं क्यों। हड्डियां हमारी रेस्टिंग रेस्टिंग पोजीशन में चली जाती है, और ये पता नहीं कब रेस्ट करेगा गाइस। मेरे को लगता है पेगासस को पहले लॉन्च करना पड़ेगा, ये लॉन्च नहीं होगा। ओके सबसे बेकार बेब्लेड है ये, सबसे बेकार। इसका स्पीड इसी के कंट्रोल का नहीं है भाई, पता नहीं क्या सोच के बनाया गया है, खुद ही कभी कंट्रोल नहीं हो पाता है वो। चलो इसी बात पे जाइफोर्ड से कर लेते हैं और देख लेते हैं। ठीक है, स्टेडियम चेंज कर दिया मैंने, क्योंकि भाई उस स्टेडियम में ये बहुत ज़्यादा बाहर जा रहे थे, बाहर नहीं दीवारों के टकरा रहे थे, और बहुत बुरा हाल हो रहा था इनका, इसलिए। ठीक है, अब करते हैं दोबारा से यार। ओके आप देखते हैं भाई। अभी अभी भी कुछ नहीं हुआ यार, ठंड में इतना क्यों लगता भाई। ओके गाइस, एक लास्ट बेब्लेड बचा है, जेस्ट अकेलीज, इससे देख लेते हैं क्या कर पाता है ये इसके सामने। रुको, ठीक है, शायद जेस्ट अकेलीज से जीत जाएगा। कमोन भाई, बेइज्जती मत करा दियो, बेइज्जती कराने पे तुला भाई पेगासस। ओके गाइस, जो तीन हारे थे उनसे दोबारा करेंगे हम, क्योंकि हमको देखना है दोबारा में जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा ये। अभी के लिए तो नॉर्मल फाइट ही चलने दो भाई, दोबारा नहीं, मतलब तीन तीन पॉइंट की करनी पड़ेगी फिर। ओके गाइस, इनकी भी 3 पॉइंट की करते हैं। चलो जस्ट अकेले जीत गया भाई, क्योंकि स्टेमिना में पछाड़ दिया है इसने। अब बारी है दोबारा करने की, पैगसिस को टाइम नहीं मिला भाई, इस बार पैगसिस को पूरा टाइम मिला है, इस बार गया जस्ट अकेले, इस बार पूरा अटैक मिला है इसको, और इस बार तो आधी पावर में पेल दिया भाई। चलो गए तो, अरे भाई अभी भी बचा हुआ है। ओके गाइस, एक और बैटल भाई, कमाल कर दिया यार, अब इतना बच गया। नाइस जेस अखिलेश, कुछ लोग कहते हैं इसको लो मोड में यूज करो, वो भी करेंगे गाइस, इसका जब लेवल 20 आएगा तब वो करेंगे। ये देखो भाई, इस बार जीत जाएगा जेस अखिलेश, यानी कि इस बार जेस अखिलेश ज्यादा विनर है भाई, 2 पॉइंट्स के साथ। नहीं, पेगासस ही विनर है गाइस। चलो इसको हटाओ, अब बारी है फिनिक्स से करने की। फिनिक्स पहले जीत गया था, इस बार देखते हैं क्या कर पाता है फिनिक्स। फिनिक्स ब्रो, ओके गाइस, रिंग निकल चुकी है, रिंग गई, अब देखते हैं फिनिक्स क्या कर पाता है। निहत्ता हो चुका है भाई फिनिक्स, फिनिक्स के झंडे गाड़ दिए गए हैं गाइस। क्या स्टेमिना में ना। ओके गाइस, एक एक पॉइंट की बराबरी होती है दोनों की ही, और अब कर लेते हैं दोबारा से बैटल, देख लेते हैं फिनिक्स का चक्कर। फिनिक्स ब्रो, फिनिक्स ब्रो के तोते उड़ने वाले भाइयों, नहीं इस बार पेगासस के तोते उड़ने वाले हैं। पेगासस गलत आदमी के साथ स्टेमिना बैटल खेल रहा है, इसी के साथ पेगासस के झंडे उड़ जाएंगे। कमॉन कमॉन, और ये गया भाई, पेगासस जीत गया गाइस, पेगासस जीत गया। नाइस, इससे तो जीत ही जाएगा ये, तो भाई तुक्के से जीता है पेगासस से, और कुछ नहीं है, उससे कोई चांस नहीं था उसका जीतने का, बस तुक्के से जीता। बॉस होगा ये, मेरे को लग रहा है। कमॉन पेगासस, बॉस कर दे भाई, बॉस कर दे, बॉस चाहिए बॉस। अरे क्या चल रहा है भाई, जीत जाएगा ऐसे तो ये। नहीं जीता भाई, नहीं जीता, मुझे लगा इससे तो आराम से जीतना चाहिए पेगासस को, लेकिन पेगासस की नानी याद दिला दी इसने। कमॉन पेगासस ब्रो, मार तोते उड़ा दे रॉक टॉवर के, ऑरेंज स्टेडियम में ऑरेंज रॉक टॉवर दिख ही नहीं रहा भाई, इनविजिबल हो गया, ब्लू ब्लू दिख रहा है इसका। इस बार हारता है पेगासस, यानी कि विनर है रॉक टॉवर गाइस। ओके,
मुझे नहीं पता था ये जीत जाएगा, ठीक है भाई। एंड एक बचा है वैनिश पैपनियर, ये भी जीतेगा ही। तो कुल मिला के दो विनर मिले हैं 10 में से, 80% विनिंग रेशियो है। पेगासस मॉन ब्रो, पेगासस ब्रो, यू कैन डू इट ब्रो। वैनिश के झंडे गाड़ दे भाई, ऐसे नहीं कर पाएगा कुछ भी। वैनिश का बैलेंस खराब करना पड़ेगा इसको, नहीं हो पा रहा दोस्तों इससे। वैनिश हारना नामुमकिन है एंड वैनिश जीत गया है कुछ मिली सेकंड से दोबारा। तो गाइस ये दो बेब्लेड जीते हैं इससे, इसका बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कैसे जीत गया, बट जीत गया। तो ठीक है, ये बेब्लेड ठीक है बट ज़्यादा अटैक नहीं करता है गाइस, मतलब बिल्कुल ही वो नहीं है यार कि उड़ा दिए तोते नट बोल्ट की तरह, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये तो बस पेगासस है। ओके तो ये थी गाइस आज की वीडियो, बताओ कैसी लगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। बाय बाय गाइस।